कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में यूपी के कानपुर देहात के डेरापुर थाना के रेंगवा के रहने वाले श्याम बाबू शहीद हो गए। बीए प्रथम वर्ष की पढ़ाई करते हुए ही 2007 में उन्होंने सीआरपीएफ ज्वाइन किया था। श्याम लाल के दो बच्चे हैं, एक लड़का 4 वर्ष का और एक लड़की 5 माह की। भाई बहनों में सबसे छोटा था अमित। शामली के मोहल्ला रिपाल निवासी अमित कुमार भी पुलवामा हमले में शहीद हुए हैं। अमित 2 साल पहले सीआरपीएफ में नियुक्त हुए थे। अमित अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटा भाई था। घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। देवरिया के भटनी थाना इलाके के छपिया जयदेव निवासी विजय मोरिया सीआरपीएफ के 92वें बटालियन में तैनात थे। गुरुवार देर रात जब शहादत की खबर आई तो पूरे गांव में मातम छा गया। शामली के बनत निवासी प्रदीप कुमार के घर में कोहराम मचा हुआ है। वे भी इस हमले में शहीद हुए हैं। वे 21वीं बटालियन में तैनात थे। शहीद प्रदीप कुमार के परिवार में 3 भाई और 1 बहन है। प्रदीप के 1 बेटा और 1 बेटी है जो पढ़ाई कर रहे हैं। आईटीबीपी में तैनात बड़े भाई संजय का कहना है कि देश को इसका बदला लेना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक की एक बार और जरूरत है। वाराणसी के तोफापुर बराइल गांव निवासी रमेश यादव भी पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। रमेश की शादी 4 साल पहले रेणु से हुई थी। 1.5 साल का 1 बेटा है। 1 भाई प्राइवेट नौकरी मुंबई में करता है। बहन सरोज के मुताबिक रमेश ने कहा था होली पर आएंगे, गांव में होली खेला जाएगा, सपना टूटा नहीं बिखर गया। पिता श्याम नारायण ने रो रो कर कहा मेरे बेटे को धोखे से गद्दारों ने मारा, सामने से आते तो 15 पर पड़ता भारी। आगरा के ताजगंज थाना इलाके कहरे गांव के जवान कौशल कुमार रावत पुलवामा हमले में शहीद हुए हैं। कौशल की शहादत की खबर आई तो पूरे गांव रो उठा। माँ धन्नो देवी, भाई कमल किशोर और पूरा परिवार बेहाल हो गया। कौशल कुमार रावत का बेटा गुड़गांव से पढ़ाई कर रहा है। 4 दिन पूर्व ही नौकरी ज्वाइन करने कश्मीर गए थे। प्रयागराज के महेश कुमार भी शहीद। प्रयागराज के चुड़ियर बदल गांव निवासी महेश कुमार 118वें बटालियन में तैनात थे। इस समय उनकी पोस्टिंग बिहार में थी। इस हमले में महेश कुमार की भी शहीद हुए हैं। महेश के 2 बच्चे साहिल 5 साल व समर 6 साल का है। पिता राजकुमार यादव ऑटो चालक हैं। 5 दिन पहले ही वह यहाँ आए थे। बीते मंगलवार को ही वह जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं। शहीद के बड़े भाई ने कहा एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत। महाराजगंज का लाल शहीद। महाराजगंज के रहने वाले जवान पंकज त्रिपाठी भी पुलवामा हमले में शहीद हुए हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कैंसर से पीड़ित मां की दुनिया ही उजड़ गई। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली इलाके के बहादुरपुर गांव निवासी अवधेश यादव 2006 में सीआरपीएफ में नियुक्त हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती 42वीं बटालियन में थी। 4 भाई बहनों में सबसे बड़े अवधेश पुलवामा हमले में शहीद हो गए। उनकी 3 साल पहले शादी हुई थी। 2 साल का बच्चा है। कैंसर से पीड़ित माँ की दुनिया उजड़ गई है। वादा किया था लौट कर आऊंगा और मकान बनवाना है। मेनपुरी के बनहल स्थित गांव विनायकपुर के सैनिक राम वकील 10 फरवरी को ही छुट्टी बिताकर वापस लौटे थे। पत्नी गीता से वादा करके गए थे कि वापस लौटकर आऊंगा, मुझे अपना मकान बनवाना है। राम वकील के 3 छोटे बच्चे हैं। राम वकील के बच्चे इटावा के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं। इनका परिवार अपने नाना नानी के साथ रहता है। जैसे ही शहीद होने की खबर परिवार को लगी तो पत्नी बच्चों व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर में मातम छा गया है। शहीद की शादी 15 वर्ष पूर्व हुई थी। तीरवा के सुखसैनपुर निवासी जवान प्रदीप सिंह यादव भी उस बटालियन में शामिल थे जिसे आतंकियों ने निशाना बनाया। रात में ये खबर आई तो परिजनों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। जिले में शोक की लहर दौड़ गई। कैंसर से पीड़ित मां की दुनिया ही उजड़ गई। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली इलाके के बहादुरपुर गांव निवासी अवधेश यादव 2006 में सीआरपीएफ में नियुक्त हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती 42वीं बटालियन में थी। 4 भाई बहनों में सबसे बड़े अवधेश पुलवामा हमले में शहीद हो गए। उनकी 3 साल पहले शादी हुई थी। 2 साल का बच्चा है। कैंसर से पीड़ित मां की दुनिया उजड़ गई है। वादा किया था लौट कर आऊंगा और मकान बनवाना है। 115वीं बटालियन में तैनात थे अजीत कुमार, उन्नाव कोतवाली के लोकनगर मोहल्ला निवासी प्यारे लाल का 35 वर्षीय बेटा। अजीत कुमार आजाद 115वीं बटालियन में CI के पद पर तैनात था। देर रात जब शहादत की खबर आई तो मां राजपति, पत्नी मीना व बेटियां ईशा और श्रेया की मानो दुनिया उजड़ गई। सभी का रो रो कर बुरा हाल है।